The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. The vitamin D test. So we all know vitamin D is an aapke bones or even teeth ke liye important hai. और इसके दो तरीके के फॉर्म आते हैं जो आपको समझना है, जैसे कि एक है विटामिन डी टू, एक है विटामिन डी थ्री. राइट, डी टू जो है वो आता है आपके फूड से, फूड प्रोडक्ट्स यानी फोर्टिफाइड सीरियल्स, जो फोर्टिफाइड मिल्क, डेयरी आइटम्स, उनसे. और डी थ्री जो है वो आता है सनलाइट से. सनलाइट से जो आता है वो, और जो नॉन वेजिटेरियन फूड है उनमें डी थ्री होता है. रिमेंबर दिस, आपके ब्लड में डी टू और डी थ्री एक बोथ दोनों के दोनों एक दूसरे फॉर्म में चेंज होते हैं जिनका नाम है 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी, जिसको हम कहते हैं 25 ओएच विटामिन डी. ये प्रॉपर विटामिन डी है. ये विटामिन डी जो लेवल, जो टेस्ट होता है विटामिन डी का, वो इसको मेजर करता है, 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी को, विटामिन डी टू को नहीं, डी थ्री को नहीं. राइट, ये 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी कम है ज्यादा है उससे पता चलता है आपको कमी है ज्यादा है. एबनॉर्मल लेवल्स अगर आ रहे हैं, यानी कि अगर तो आपको बीमारियां, हड्डियों की बीमारी, ऑर्गन की डैमेज, कोई मेडिकल कंडीशन, न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम, ये सब हो सकते हैं. सो क्यों करेंगे, किसको करेंगे, जिसको भी ये सब क्रोनिक बीमारियां हो, जिनको कोई भी ऑटोइम्यून डिजीज हो, कोई सोरियोसिस हो, कोई बोन डिसऑर्डर हो, कोई मसल प्रॉब्लम हो, कोई एक्स्ट्रा बीमारी हो, उम्र ज़्यादा हो रही है, चलने फिरने में प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोगों की कर सकते हैं और करनी चाहिए. जिनको बोन वीकनेस है, जिनको बोन सॉफ्टनेस है, बोन में फ्रैक्चर्स हो जाते हैं, बोन मैलफॉर्मेशन है, उनको करना चाहिए, बिकॉज कमी होगी तो ऐसे सिम्टम्स आएंगे. और जिनको उम्र हो गई, जिनकी जो धूप में नहीं जाते, जो लोग डार्क कलर्ड की स्किन लेते हैं, राइट, जो जिनको एब्जॉर्प्शन में, पेट में प्रॉब्लम है, बाईपास सर्जरी हुई है, ऑस्टियोपोरोसिस है, ओबेसिटी है, इन सब के टेस्ट होने चाहिए. इवन छोटे छोटे बच्चे जो हैं, ब्रेस्ट फीड बच्चे, उनमें भी विटामिन डी की कमी होती है, लेकिन उनको टेस्ट नहीं करा जाता, उनको डायरेक्ट दे दिया जाता है 400 इंटरनेशनल यूनिट पर डे. जब टेस्ट होता है तो आपका ब्लड निकाला जाएगा, ब्लड सैंपल लिया जाएगा हाथ से, और एक नीडल डाली जाएगी, नीडल अंदर जाएगी तो दर्द भी होगा, आपको दर्द होगा, ब्लीडिंग का रिस्क हो सकता है, इन्फेक्शन का रिस्क होता है, वो तो रहता ही है. आपका ब्लड लिया जाएगा, टेस्टिंग के लिए भेजा जाएगा, और टेस्टिंग बहुत जल्दी हो जाता है, इसका टेस्ट एक ही दिन में आ सकता है. राइट, और टेस्टिंग के लिए कोई स्पेशल प्रिकॉशन नहीं चाहिए कि आपको खाली पेट रहना है, भरे पेट रहना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसा कुछ नहीं. राइट, आप कभी भी करा सकते हो. और इसका रिजल्ट डिपेंड करेगा, अगर आपका विटामिन डी नॉर्मल रेंज से कम है, दैट मींस आप या तो कमी है, या तो धूप में सही नहीं जा रहे हो, खाने में विटामिन डी नहीं खा रहे हो, या एब्जॉर्प्शन का प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं इशू है. और लो रिजल्ट होगा तो आपका किडनी, लिवर की बीमारी भी हो सकती है, तो वो डायग्नोसिस डॉक्टर करेगा. बाकी अगर आपका बहुत ज़्यादा विटामिन डी आता है, तो फिर ये पॉसिबल है कि आप खूब ज़्यादा सप्लीमेंट ले रहे हो विटामिन डी के, जो नहीं लेने चाहिए, और डॉक्टर के कहे बगैर लेते जा रहे हो, लेते जा रहे हो, लेते जा रहे हो, उतने में भी रिस्क होता है आपके ऑर्गन्स, ब्लड वेसल्स को डैमेज होने का, हाइपर कैल्सीमिया, कैल्शियम कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाने का. राइट, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिए कि विटामिन डी के टेस्ट ज़रूर कराइए, और टेस्ट के रिपोर्ट्स अपने डॉक्टर के पास लेके जाइए. और कोई इम्पॉर्टेंट बात, जैसे कोई ऐसी दवा आप ले रहे हो जिससे विटामिन डी के लेवल्स पे इफेक्ट आ सकता है, जैसा हमने बताया आपको पिछली बार, तो पहले तो उसमें डॉक्टर को अपने ज़रूर बताइए. या कोई सप्लीमेंट ले रहे हो, कोई ऐसा सप्लीमेंट जिसमें आपको पता है, नहीं पता कि जिसमें क्या है, वो भी डॉक्टर को ज़रूर बताइए. ये टेस्ट आप कभी भी करा सकते हैं, किसी भी उम्र में करा सकते हैं, किसी का भी करा सकते हैं. राइट, नॉर्मली विटामिन डी के दो तरीके के टेस्ट होते हैं, एक होता है विटामिन डी जो हमने बताया 25 हाइड्रोक्सी विटामिन, एक होता है विटामिन डी थ्री. हमको विटामिन डी थ्री का टेस्ट नहीं कराना, हमको विटामिन डी का टेस्ट कराना है, 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी. वो डी थ्री वाला जो टेस्ट है वो ज़्यादा महंगा होता है, विटामिन डी वाला टेस्ट है जो थोड़ा सस्ता होता है, लेकिन दोनों ही टेस्ट काफ़ी महंगे होते हैं. सो अगर आपको डाउट है तो जाके टेस्ट कराइए, किसी भी लैब में हो जाएगा. रिमेंबर टू टॉक टू अ डॉक्टर कि आपको कितना सप्लीमेंट लेना है अगर आपको डेफिशिएंसी निकलती है. राइट,
and share this information as much as you can.